तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ फ्री फायर के लिए बेस्ट पीसी प्रोसेसर कौन सा है। बहुत से बंदे फ्री फायर के लिए पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, जिसमें वो ये सोचते हैं हमें इंटेल का प्रोसेसर लेना चाहिए या फिर एएमडी का प्रोसेसर लेना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा फ्री फायर के लिए बेस्ट प्रोसेसर कौन सा है, आपको इंटेल का प्रोसेसर लेना चाहिए या फिर आपको एएमडी का राइजन सीरीज का प्रोसेसर लेना चाहिए, और फ्री फायर को चलाने के लिए हमें किस बजट का प्रोसेसर लेना चाहिए, इसके बारे में आपको मैं अच्छे से बताने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ आपको मैं प्रोसेसर के बारे में जो बेसिक नॉलेज होता है वो सभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप कोई भी प्रोसेसर बाय कर रहे हो तो आपको अच्छे से हर एक चीज समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कंप्यूटर के प्रोसेसर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज देता हूं। तो देखा जाए तो अभी के टाइम में मार्केट में दो ऐसी कंपनी है जो पीसी के लिए प्रोसेसर बनाता है, जिसमें एएमडी है। आप सभी को पता होगा एएमडी का राइजन सीरीज का प्रोसेसर आता है, जैसे कि राइजन 3 हो गया, राइजन 5 हो गया, राइजन 7, राइजन 9, ऐसे काफी सारे एएमडी के प्रोसेसर आता है। और उसके बाद आता है इंटेल कंपनी का प्रोसेसर, जो कि बहुत ज्यादा पुराना है। इंटेल i3, इंटेल i5, इंटेल i7, ऐसे बहुत सारे इंटेल के भी बहुत सारे अलग अलग सीरीज हैं। तो ये तो हो गया प्रोसेसर बनाने के दो अलग अलग कंपनियां। लेकिन आप जब भी कोई भी प्रोसेसर खरीदते हो तो उसके अंदर कुछ कोर होते हैं, कुछ थ्रेड होते हैं, आपको भी पता होगा। जैसे कि मोबाइल में आता है क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, तो वैसे ही कंप्यूटर में भी होता है 6 कोर और 12 थ्रेड, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो ये जो कोर्स और थ्रेड होते हैं, समझ लो ये प्रोसेसर का हाथ पर है, इसी से वो काम करेगा। और इसका एक स्पीड भी रहता है, जिसे क्लॉक स्पीड बोला जाता है, जैसे कि 4 GHz, 5 GHz। तो ये सभी प्रोसेसर के अलग अलग क्लॉक स्पीड होता है, ये उसका स्पीड डिपेंड करता है। तो जब भी आप कोई भी प्रोसेसर बाय करोगे तो उसका कोर और थ्रेड को आपको देखना पड़ेगा, इससे उसका मतलब समझ लो परफॉर्मेंस का बिल्कुल पता चल जाएगा। जिस प्रोसेसर के अंदर जितना ज्यादा कोर रहेगा, जितना ज्यादा थ्रेड रहेगा, उतना ही वो ज्यादा महंगा रहता है और ज्यादा परफॉर्मेंस देता है, और उसका स्पीड भी थोड़ा बहुत मायने रखता है, जो उसका क्लॉक स्पीड होता है वो। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कोई 5-6 साल पुराना प्रोसेसर ले लोगे जिसमें कोर ज्यादा रहेगा, थ्रेड ज्यादा रहेगा, तो वो अच्छा खासा चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी प्रोसेसर होते हैं वो जनरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जनरेशन से उसका परफॉर्मेंस पता चलेगा। अभी का जितने भी नया जनरेशन का प्रोसेसर आ रहा है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा अपडेटेड है। पहले का समझ लो 6 कोर, तो अभी का सिर्फ 4 कोर। तो आप जब भी कोई सा भी सीपीयू लेते हो तो उसके जनरेशन को जरूर ध्यान देना, लेटेस्ट जनरेशन का होना चाहिए, ताकि कम कोर में भी आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाए। तो ये तो हो गया प्रोसेसर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। अब हम जानते हैं फ्री फायर के लिए आपको एएमडी का प्रोसेसर लेना चाहिए या फिर आपको इंटेल का प्रोसेसर लेना चाहिए। तो देखो, मार्केट में अभी कुछ ऐसा सीन है कि पहले टाइम में, मतलब 1-2 साल के अंदर में, राइजन बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा था। राइजन जो है कम प्राइस में अच्छे खासे प्रोसेसर दे रहा था और बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस था। लेकिन समय के साथ क्या हो गया, राइजन का जो प्रोसेसर है उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, टाइम के साथ धीरे धीरे उसका प्राइस बढ़ते गया। लेकिन अभी अभी हुआ ये कि इंटेल ने अपने नए जनरेशन के प्रोसेसर को लॉन्च किया और उसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मतलब अभी के टाइम में सबसे बेस्ट प्रोसेसर आप उसे कम प्राइस में मान सकते हो, और उसका प्राइस बहुत ही कम है। और इसी वजह से अभी के टाइम में अगर आप राइजन के प्रोसेसर के प्राइस को देखते हो तो करीबन आपको 25% प्राइस उसका डाउन दिखेगा। तो इसी वजह से अभी के टाइम में आपको राइजन का प्रोसेसर का प्राइस थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, जो कि पहले काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो अब अगर देखें अभी के टाइम में बेस्ट प्रोसेसर कौन सा है जिसका प्राइस भी कम रहेगा, तो अभी के टाइम में आपको मैं इंटेल को सजेस्ट करूंगा। इंटेल का जो न्यू जनरेशन का प्रोसेसर आया है उसका प्राइस भी बहुत कम है, परफॉर्मेंस भी बहुत ही खतरनाक है। तो अब हम जानते हैं अभी के टाइम में फ्री फायर को चलाने के लिए किस टाइप का प्रोसेसर का रिक्वायरमेंट होगा। तो देखो, अभी के टाइम में अगर आप इंटेल के नए जनरेशन के प्रोसेसर को लेते हो, जैसे कि i3 प्रोसेसर को लेते हो नए जनरेशन का, तो वैसे तो उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड शायद होता है, तो उसमें अगर आप फ्री फायर को चलाओगे तो 40 FPS आराम से चल जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप उसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगाते हो तो फिर आपको लाइव भी हो जाएगा और फ्री फायर भी चल जाएगा आराम से, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ऐसा कुछ सीन है। लेकिन अगर आपको पुराने जनरेशन का प्रोसेसर लेना है इंटेल का, तो फिर आपको i5 लेना पड़ेगा, जिसमें फ्री फायर ठीक ठाक चलेगा। अगर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड ले लेते हो तो उसमें भी रिकॉर्डिंग हो जाएगा, लाइव हो जाएगा, फ्री फायर अच्छे से खेल सकते हो। लेकिन अगर आप पुराने जनरेशन का i3 लोगे ना, तो फिर उसमें मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। आप गेम वेम तो ठीक ठाक खेल लोगे, नॉर्मली गेम हो जाएगा, लेकिन रिकॉर्डिंग में, लाइव में इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो ये आपको मैं बजट के अंदर बता दिया, ठीक ठाक आप फ्री फायर खेल पाओगे, लाइव वगैरह कर पाओगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा और ज्यादा प्राइस बढ़ा के और ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, तो फिर आप लेटेस्ट जनरेशन का i5 ले लो, i7 भी आता होगा शायद, तो आप उनमें जा सकते हो। लेकिन अगर आप अभी के टाइम में राइजन का प्रोसेसर लोगे, तो आपको अगर लाइव भी करना है, रिकॉर्डिंग भी करना है, फ्री फायर भी ठीक ठाक खेलना है, तो फिर आपको राइजन 5 लेना पड़ेगा। राइजन 5 का राइजन 5 3600 भी ले सकते हो, राइजन 5 4650G, जिसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा होता है, इसको भी आप ले सकते हो। अगर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाले लोगे तो फिर आपको उसमें फ्री फायर तो नॉर्मली चल जाएगा 60 FPS में, बट रिकॉर्डिंग नहीं होगा या फिर लाइव भी नहीं होगा। और अगर आप डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड उसमें लगा लेते हो राइजन 5 में, तो फिर लाइव, रिकॉर्डिंग, फ्री फायर, जो कुछ चलाना है हर एक चीज चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटेल नहीं दे पाएगा, इंटेल हर एक चीज अभी के टाइम में कर रहा है, मतलब उसका जो नया जनरेशन का प्रोसेसर आ रहा है वो आराम से सबको टक्कर दे देगा। और अगर आप राइजन 3 लेने के बारे में सोच रहे हो, तो फिर आपको उसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो लाइव कर पाएगा, रिकॉर्डिंग कर पाएगा, फ्री फायर खेल पाओगे। लेकिन अभी का जो इंटेल का जो प्रोसेसर आया है नया जनरेशन का,
उसमें आप i3 में भी लाइव कर सकते हो, अच्छे से फ्री फायर खेल सकते हो। बस बात यह है कि आपको रिकॉर्डिंग करना है या फिर लाइव करना है तो फिर आपको कोई भी प्रोसेसर के अंदर ग्राफिक्स कार्ड तो लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, इंटीग्रेटेड में आप फ्री फायर बस खेल पाओगे। तो अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इंटेल के लेटेस्ट जनरेशन के प्रोसेसर को लो, इसमें प्राइस भी कम पड़ेगा, परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा मिल जाएगा। लेकिन हो सके आगे चल के राइजन का भी कोई नया जनरेशन का प्रोसेसर आए, उसमें प्राइस कम रहे और परफॉर्मेंस अच्छा खासा रहे, तो आप समय के हिसाब से देख लेना भाई कौन सा ज्यादा बेटर है। बाकी आप सभी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मिल गया होगा। तो फ्री फायर के लिए भाई आप कोई भी प्रोसेसर ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है इंटेल का ही लो। लेकिन अगर आप प्राइस वगैरह देख रहे हो, बजट में आपको लेना है, तो फिर आप इंटेल का लो, इंटेल में परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा। बाकी एसयूवी यार आपको जो खरीदना आप वो खरीद सकते हो। तो अभी आप सभी को मैंने बता दिया फ्री फायर के लिए बेस्ट कंप्यूटर प्रोसेसर कौन सा है। अगर आपको और भी ऐसे फ्री फायर के इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।